मुझे कंप्लीट करना है एक चैलेंज, जिसके लिए मुझे फार्म करने होंगे 1 मिलियन पोटैटोस। तो उसके लिए मुझे चाहिए था कुछ ऑटोमेटिक फार्म, बिकॉज मैं ऐसे रूल्स वूल्स फार्म करके ब्रेक करके मैनुअली कर करके थक चुका था। तो मुझे चाहिए था एक ऑटोमेटिक फार्म, तो मैं आज बनाने वाला हूँ ऑटोमेटिक फार्म एंड आपको भी सिखाऊंगा कैसे आप बना सकते हो एक ऑटोमेटिक फार्म। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं फार्म बनाना, आ जाओ। देखो जितने भी आइटम्स चाहिए थे सारे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, फटाफट ये सारे आइटम्स कलेक्ट कर लो एंड आ जाओ फार्म फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस फार्म के लिए आपको चाहिए होगा 30x30 एरिया, तो वो क्लियर करने के बाद आपको जितनी भी बॉर्डर लाइन्स है वहाँ पे आपको 2 ब्लॉक ऊंचे वॉल खड़ी करनी है, ठीक है। ग्लास से वॉल खड़ी करनी है आपको। ग्लास से वॉल खड़ी करने के बाद आपको जो सेंटर वाला एरिया होगा किसी साइड से आप उसको ब्रेक कर देना, बिकॉज वहाँ पे आपके कार्ड्स वगैरह लगेंगे। तो एक फटाफट इनफिनाइट वाटर सोर्स बना लेना, उसके बाद जो वाटर सोर्स होगा आपका जो पानी वाटर होगा वो यूज़ करना है आपको फार्म लैंड की बनाने के लिए, ठीक है। तो फार्म लैंड बनाने से पहले हम लोग वाटर सोर्स पुट करेंगे, तो बिल्कुल सेंटर में देखो ना, दोनों तरफ से 9-9 हिस्सा होना चाहिए, 9 ब्लॉक्स इस तरफ से भी 9 ब्लॉक उस तरफ से। करने के बाद आपको इस तरीके से पूरा वाटर सोर्स को प्लेस कर देना है, जितने भी वाटर सोर्स है बीच में एक कंपोस्टर लगाना है, उसके ऊपर ग्लोस्टोन रखना है, देन जो तुम्हारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसको 2 ब्लॉक एक्सटेंड कर दो ग्लोस्टोन के ऊपर एंड 2 ब्लॉक आगे के साइड भी एक्सटेंड कर दो। जो वाटर सोर्स आपने रखा है उसके ऊपर कारपेट्स लगा दो। कारपेट्स लगाने से जो विलेजर्स हैं वो बार बार वाटर के अंदर नहीं जाएंगे, वो वर्क करते रहेंगे अपना। फटाफट फार्मलैंड तैयार कर लो, जितने भी एरिया है उसमें फार्मलैंड बना दो उसको हो के थ्रू एंड देन उसके बाद आपको पोटैटोस फार्म करने हैं। फटाफट पोटैटोस फार्म करते हैं, ठीक है। देन पोटैटोस फार्म करने के बाद आपको काम बहुत कम बचा हुआ है, लिटरली आपको सिर्फ एक यहाँ पे हॉपर लगाना है, जो सेंटर आपने क्लियर किया था वहाँ पे एक हॉपर लगाओ, वहाँ पे एक रेल लगा के उसके ऊपर माइनकार्ट भी हॉपर रखो, ठीक है। देन उसके बाद नीचे का जो रेल है उसको ब्रेक कर देना और ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद उसके ऊपर एक और रेल ब्लॉक लगा के टेम्परेरी ब्लॉक, उसके ऊपर रेल लगा के आपको वापस से हॉपर लगाना है एंड नीचे का जो ब्लॉक है उसको ब्रेक कर दो, वो अपने आप नीचे कार्ट पे गिर जाएगा। देन वहाँ पे ट्रैप डोर लगा देना, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको एक एरिया बनाना है जहाँ पे आपका विलेजर रहेगा, यहाँ पे जिससे जो दूसरा वाला विलेजर फार्मर होगा वो ट्रेड करके आपको पोटैटोस देगा। तो अभी मेरा एरिया कंप्लीट हो गया है, ठीक है, बस हमें विलेजर्स लाना है, तो फटाफट विलेजर लेके आते हैं। ओके, विलेजर लाने के बाद आपको क्या करना है कि अपना स्टोरेज एरिया बनाना है जहाँ पे आपके पोटैटोज वगैरह आएंगे, ठीक है। तो आपको जस्ट जहाँ पे आपने ग्लास ब्रोक किया था, विलेजर डाला था, उसी के नीचे आपको डिग डाउन करना है जब तक तब तक कि आपके हॉपर दिख ना जाए, जैसे मेरे को हॉपर दिखा मेरा। देन उसके बाद आपको उसको कनेक्ट कर देना है एक चेस्ट के थ्रू, एक ब्लॉक नीचे रखना वरना आपकी जो चेस्ट होगी वो ओपन नहीं हो पाएगी। तो उसको वापस से हॉपर से कनेक्ट कर दो एक दूसरा हॉपर यूज़ करके, ठीक है। अब भी आपका बन चुका है, देन उसको अब मैं यहाँ पे 2 चेस्ट यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मे बी ज़्यादा पोटैटोज आएंगे, तो उसके लिए मैंने 2 चेस्ट यूज़ किए एंड ये हमारा विलेजर स्केप हो चुका है, ठीक है। नेवर माइंड, हमें एक और विलेजर लाना पड़ेगा, एज कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज हमने ऑलरेडी एक विलेजर लाना ही था फार्म के लिए, तो एक और विलेजर लेके आएंगे वापस से यहाँ पे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको विलेजर के साथ आपको ट्रेड करना है, जो आपका सिंगल ब्लॉक के अंदर विलेजर है, जो ये वाला विलेजर है इसके साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा तभी जाके ये वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। तो इसको कोई भी जॉब दो एंड उसके साथ ट्रेड कर लो, उसको लॉक कर दो विलेजर को, ताकि आपका फॉर्म वर्किंग हो जाए। एंड फाइनली वी आर डन, गुड टू गो गाइज। और देखो इस फॉर्म को हम लोग और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो फार्म एक्सटेंड करने के लिए तुम्हें वापस से एक लेयर और ऐड करनी पड़ेगी, पूरी जो ग्लास वॉल थी उस पूरी वॉल पे आपको एक लेयर और लगानी होगी ग्लास की, एक ब्लॉक और एक्सटेंड करना पड़ेगा उसे हाइट बढ़ाने के लिए। तो जब ग्लास आप लगा लो देन उसके बाद आप कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ करके उसमें एक बिल्डिंग ब्लॉक से लेयर बना लो जो कि आपकी बॉर्डर लाइन होगी, या फिर आप डायरेक्टली डर्ट भी प्लेस कर सकते हो, बट थोड़ा सा लुक्स के लिए मैं स्मूथ स्टोन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर लेना। पूरा बॉर्डर लाइन बनाने के बाद उसके अंदर आपको डर्ट्स फिल करना है, तो एक बार जब सारा डर्ट फिल हो जाए तब
ओके, डर्ट फिल करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली तीन हाइट ऊंची हाइट की ग्लास वॉल वापस से क्रिएट करनी है। जैसे बिल्कुल सेम नीचे किया था हम लोगों ने, तो सेम वॉल होगी, वापस से क्रिएट कर दो सारा, बिल्कुल सेम सारे बॉर्डर लाइंस पे होगा, ठीक है। ये करने के बाद फाइनली आपको होल्स बनाने, जो वाटर होल्स है मैंने जैसे आपको इमेज में शो किया है बिल्कुल सेम कॉपी कर लेना, उसी तरह बनना चाहिए। देन उसके बाद आपको नीचे ट्रैप डोर्स लगाने, ताकि जो पानी है वो नीचे ना जाए। तो ट्रैप डोर लगाने के बाद आपको इसके अंदर वाटर वगैरह भी फिल करना है, ठीक है। तो ट्रैप डोर लगा दिया है, अब भी इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लो वापस से एंड उसमें अंदर वाटर फिल कर दो। टोटल 8 जगह होंगी, 8 होल होंगे जिसके अंदर आपको वाटर लगाना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, जो कलेक्टिंग सिस्टम होगा जहाँ से कलेक्ट होगा आइटम, उसके नीचे एक हॉपर लगाओ, दूसरा हॉपर लगाओ, देन उसके ऊपर एक रेल रखना है आपको, फिर उसके बाद माइंड कार्ट विथ हॉपर, फिर वापस से जो नीचे का ब्लॉक रेल था उसको ब्रेक कर दो। देन उसके बाद आपको इसका सेकंड वाला हॉपर माइंड कार्ट विद हॉपर रखना है, तो उसके लिए आपको एक टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस करना है, देन वापस से एक रेल लगाना है, ऊपर से माइंड कार्ट विद हॉपर लगाना है एंड जो टेम्परेरी ब्लॉक था उसे ब्रेक कर दो, वो अपने आप नीचे चला जाएगा। देन वहाँ पे एक ट्रैप डोर लगाना है, ठीक है। अब सेंटर में बिल्कुल आपको एक कंपोस्टर लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टेम्परेरी ब्लॉक आपने लगाया था उसको हटा दो, देन उसके ऊपर एक ग्लोस्टोन या फिर कोई भी मतलब लाइट्स वाला आइटम रख दो, ठीक है। फिर उसके बाद एक बेड लगाओ, देन उसके ऊपर आपको एक हाइट ऊंची करनी है ग्लोस्टोन के ऊपर, देन उस पर एक बेसिकली रूफ बना देना है बेड के जस्ट ऊपर दो ब्लॉक का, एंड ऐसा दिखना चाहिए स्ट्रक्चर। देन उसके बाद फार्मिंग लैंड फटाफट बना लेते हैं, तो फार्मिंग लैंड हमारा बन के रेडी हो चुका है। देखो फार्मिंग लैंड बनने के बाद आप विलेजर्स लेते आओ, तो विलेजर्स लाने देते हैं, एक सेकेंड इसको रोकना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से हम रूट चेंज करेंगे दूसरे वाले विलेजर के लिए, रूट चेंज कर दिया। अब जब भी वो आएगा तो डायरेक्टली उस वाले में चला जाएगा। अभी जो ये विलेजर आया है, ठीक है, ये हमारा होगा जिस खड़ा रहेगा, तो इसको फटाफट अंदर डालते हैं। अभी इस विलेजर को जॉब भी देना है, तो ये सेकेंड वाला जो विलेजर जा रहा है ये फार्म करेगा, हमारा फार्मर बनेगा, इसको फार्मर की जॉब देनी है हमें, तो लेके चलते हैं फटाफट। ओके, वो अंदर जा चुका है, अब फटाफट इसको ब्लॉक करते हैं एंड तोड़ देते हैं रील्स। माइंड कार्ट हटा देते हैं एंड इसको थोड़ा वेट करते हैं जॉब लेने के लिए। जब तक वो जॉब नहीं लेता तब तक हम सारे कारपेट्स वगैरह यूज़ करके, 8 कारपेट लगेंगे आपको, 8 कारपेट्स यूज़ करके इनको फिल कर देना, जो वाटर सोर्स है उनको फिल कर दो। देन अपने आपको जो पोटैटोज़ है या फिर कैरेट्स आप जो भी उगाना चाहते हो, ठीक है, वो आपको उगाना है। देन जो फार्मर आपका सिंगल प्लेस पे खड़ा है उसको एक जॉब दे दो, ठीक है, कोई भी जॉब दे दो एंड उसके साथ ट्रेड कर लो, एक बार ट्रेड कर लो ताकि वो लॉक हो जाए, तभी ये वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा, तो मेक श्योर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर नए हो तो शेयर भी करो थोड़ा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा।